हैप्पी मंडे टू एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? ओके गुड। यस, जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वैसे ही हम किसी को हैप्पी मंडे, हैप्पी संडे, हैप्पी ट्यूसडे, हैप्पी वेडनेसडे ऐसे बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप गुड मॉर्निंग की जगह हैप्पी मंडे मैम बोल सकते हो, इसीलिए मैंने आप सबको क्या कहा, हैप्पी मंडे कहा। ठीक है, ओके ग्रेट। सो आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि आज हमें पढ़ाई नहीं करनी, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें ना स्टोरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एक अच्छी सी स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, किस किस को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है? रेज योर हैंड। वेरी गुड। सानवी, आपको भी बहुत पसंद है ना स्टोरी सुनना? यस। दंशिका को भी बहुत पसंद है स्टोरी सुनना, है ना दंशिका? ओके गुड। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। कौन सी स्टोरी पढ़ेंगे? देखो, द स्टोरी क्या है ये? द ग्रीडी डॉग। यस, आज हम एक लालची डॉग के बारे में, ग्रीडी मीन्स होता है लालची। ठीक है, तो आज हम एक लालची डॉग के बारे में क्या करेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, सो आर यू एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड हुए स्टोरी पढ़ने के लिए? ओके, चलो फिर हम पढ़ते हैं स्टोरी। ठीक है, ओके देखिए। Once a dog was crossing a brook. एक बार की बात है, एक डॉग एक छोटी सी पुल को क्या कर रहा था? क्रॉस कर रहा था, यानी छोटी सी पुलिया से होते हुए जा रहा था। ठीक है, He has a bone in his mouth. उसके पास उसके मुंह में क्या था? एक बोन था, यानी हड्डी। जो डॉग्स होते हैं ना, उन्हें क्या पसंद है? उन्हें बोन्स बहुत ज्यादा पसंद होता है, यानी हड्डियां बहुत ज्यादा खाते हैं वो। यस, उनका फेवरेट होता है ये फूड, बोन्स। ठीक है, तो उस डॉग के पास उसके माउथ में क्या था? एक बोन था। व्हाइल क्रॉसिंग द डॉग सॉ हिज ओन इमेज इन द वाटर। जब वो डॉग पूल को क्रॉस कर रहा था, तो पूल में पानी होता है ना, यानी पूल में तो वाटर होता है, तो जब वो पूल को क्रॉस कर रहा था, तो उसने देखा कि पानी में बिल्कुल उसके जैसे ही क्या है, एक इमेज है, यानी उसने खुद की जो इमेज है ना, इमेज मतलब परछाई। आप सब पानी में देखते हो तो आपको अपनी परछाई दिखती है ना, बिल्कुल वैसे ही उस डॉग ने उस वाटर में क्या देखा? अपनी परछाई को देखा। ठीक है, द डॉग थॉट इट वॉज अनदर डॉग विथ अ बोन इन हिज माउथ। तो डॉग ने सोचा कि ये एक और डॉग है जिसके मुंह में क्या है, बोन है। हाँ, उसने ये नहीं सोचा यार ये तो मैं हूँ, उसने ये सोचा कि इस वाटर में ना एक और डॉग है, और ये क्या है, उसके माउथ में भी क्या है, एक बोन है। ठीक है, ही बार्क एट द शैडो, उसने परछाई पे भोंका। ठीक है, भोंकना शुरू किया। देखो, बार्क मीन्स होता है भोंकना, और शैडो मीन्स होता है परछाई। तो उसने ना भौंकना शुरू किया परछाई को देख के। कैसे भौंका? वम 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 वम। आप सब बताओ एक बार भौंक के कैसे भौंका? यस, वम 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 वम। ठीक है, उसने वम 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 भौंका उस परछाई को देख के। एज ही ओपन्ड हिज माउथ, जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला। ठीक है, जैसे ही उसने भौंकने के लिए क्या किया, अपना मुंह खोला, His own bone fell into the water. उसकी जो मुंह में हड्डी थी, बोन था, वो क्या हुआ, वाटर में गिर गया। कितना बेवकूफ है ना वो, बताओ। And the greedy dog learned a lesson. और जो लालची डॉग था, उसे क्या मिला? सबक मिला। ठीक है, देखिए पहले तो मैं आपको एक इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग बता दूं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं एक बार और स्टोरी आराम से सुना दूंगी। ये देखिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स है ब्रुक। ब्रुक मीन्स होता है छोटी पुलिया। क्रॉसिंग मतलब होता है पार करना। थॉट मतलब सोचना। अनदर मतलब दूसरा। बार्क मीन्स भौंकना। ग्रीडी मीन्स लालची। लर्न मतलब होता है सीखना। लेसन मतलब पाठ या सबक। ठीक है, देखिए ये स्टोरी क्या है, एक बार फिर से जानते हैं। एक डॉग क्या कर रहा होता है, ये जो डॉग है ना, ये डॉग क्या कर रहा होता है, इसके पास एक इसके माउथ में बोन होता है, और ये एक पुल को क्रॉस कर रहा होता है।
तो ये देखता है वाटर में, यानी ये पानी में क्या देखता है? अपनी ही परछाई को देखता है। यस, ये वाटर में अपनी खुद की इमेज को देखता है, लेकिन ये बहुत बेवकूफ है और ये बहुत लालची भी है, ग्रीडी भी है। तो ये सोचता है कि ये कोई और डॉग है और जिसके माउथ में एक बोन है, ठीक है। इसको लगता है कि ये कोई और डॉग है और जिसके माउथ में भी एक बोन है। तो ये क्या करता है, ये इसको देख के भौंकता है शेडो को, ठीक है। और जैसे ही भौंकने के लिए इतना मुंह खोलता है, क्या होता है, इसके माउथ में ये जो बोन है वो पानी में गिर जाता है। और फिर इस ग्रीडी डॉग को एक लेसन यानी एक सबक सीखने को मिलता है, ठीक है। तब आप मुझे बताओ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कोई बताएगा मुझे? रियान, आप बताओगे? शानवी, आप बताओ बेटा, हमें इस कहानी से क्या सीख मिली, हमने क्या जाना, क्या सीखा, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, मैं बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, हमें इस कहानी से ये सीख मिली कि हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो डॉग था, इसके पास तो खाने के लिए एक बोन था ना, लेकिन इसने क्या करा, इसने लालच दिखाई। इसको लगा कि ये कौन है, एक और डॉग है जिसके पास एक बोन है ना। इसने लालच दिखाई तो इसके पास जो खाने को था वो भी चला गया पानी में, है कि नहीं? इसीलिए हमें कभी भी लालची यानी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, नेवर, ओके। हमें कभी भी ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना, समझ गए? यस, इस कहानी से हमें ये सीख मिली ना कि हमें कभी ग्रीडी यानी लालची नहीं होना चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, ये सब आप एक बार देख लेना, कोशिश करना, अगर लर्न हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यस, ओके। अब देखिए, ये है आपका होमवर्क, बहुत अच्छा सा होमवर्क है, मजा आएगा सबको, क्योंकि मुझे पता है सबको ड्राइंग करना तो बहुत पसंद है, राइट? इस होमवर्क में क्या करना है आपको, ये स्टेप देख रहे हैं, इसको फॉलो करना है और ऐसी एक डॉग बना देनी है। पहले क्या बनाओगे, पहले ऐसे बनाओगे, ठीक है, फिर ऐसे बनाओगे, ओके, फिर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे बनाओगे, फिर ऐसे और फिर ऐसे बना दोगे, तो एक डॉग प्यारा सा बन जाएगा, ओके। सो ये आपका होमवर्क है। बच्चों, मुझे होमवर्क सबके मिल ही नहीं रहे इंग्लिश के, रोज रोज क्या हुआ, नसान भी क्या आ रहे हैं अभी इंग्लिश के, मुझे कल वाले होमवर्क नहीं मिले थे, सैटरडे वाले, और रियांश के, आपके भी नहीं आ रहे, दंचिका के आए हैं, आलोक के नहीं आ रहे, कुशाग्री के भी नहीं आ रहे हैं, नौनीत आपके भी होमवर्क नहीं मिल रहे मुझे। बेटा, आप सब ना होमवर्क करो, ठीक है, आपको होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क करके साइन सारा करो, ठीक है। तो आपका एक होमवर्क ये है एंड आपका दूसरा होमवर्क ये है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसके आंसर्स आपको लिखने हैं। जैसे देखिए, राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट एनिमल्स, आपको जो भी एनिमल्स पसंद है, जो भी फेवरेट है, उसका नाम लिखना है। व्हाट इज योर स्कूल नेम, आपके स्कूल का क्या नाम है वो लिखना है। आर यू ग्रीडी, क्या आप लालची हो, अगर आप लालची हो तो आप लिखोगे यस मैम, अगर आप लालची हो तो लिखोगे नो मैम, ठीक है। यस, ओके। सो आज की क्लास में बस इतना, ठीक है? आप, आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा स्टोरी पढ़ के, वेरी गुड। सो बस हमेशा एक चीज को आप याद रखना कि कभी भी हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा जो मिले उसमें हमेशा ही खुश होना चाहिए, ठीक है। जितना मिलता है, जो मिलता है, उससे हमें हमेशा खुश होना चाहिए और हमें कभी भी ग्रीडी यानी लालची नहीं होना चाहिए। ओके क्लास, थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे से मेरी बातों को सुनते हो और पढ़ते हो, और बस आप सब अपना ख्याल जरूर रखना, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड है, राइट? यस, तो आप अपना बिल्कुल अच्छे से ख्याल रखना, ओके ओके। बाबा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।